Hello friends, welcome to चंदन गुप्ता ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन नोटराइज के बारे में। जैसे कि आप अगर ऑनलाइन लोन लेना चाहते हैं और थर्ड पार्टी जो लोन दे रहा है आपको, जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, अगर उसका उसने अगर आपको बोल दिया कि मुझे ऑनलाइन नोटराइज चाहिए, जैसे कि नोटराइज ऑनलाइन तो अदर स्टेट से होता है, जैसे यूएसए अदर कंट्री है वहाँ से आपको नोटराइज होता है। तो आज मैं बताऊँगा यूएसए का नोटराइज ऑनलाइन, उसके बारे में मैं बताऊँगा आपको कि कैसे होता है नोटराइज ऑनलाइन। सो ये है नोटराइज कैम बेस्ट 2012। एक्चुअली मैं लोन का थर्ड पार्टी हूँ, तो हम लोन प्रोवाइड कराते हैं तो हम लोग का नोटराइज कराना पड़ता है। जैसे यूएस का पार्टी अगर इन्वेस्ट कर रहा है, जितने भी फाइल हैं, मान के चलो आप फाइल दे रहे हो लोन करने के लिए, और एक ग्रुप आता है जो 7, 8 या 6 या 3 फाइल को एक साथ डिसमेंस करते हैं लोग, मतलब पैसे इन्वेस्ट करते हैं लोग, उसमें आपको थर्ड पार्टी बोलेगा कि ऑनलाइन नोटराइज करने के लिए। सो आपको ऑनलाइन नोटराइज में आपका पासपोर्ट लगेगा अगर यूएस से नोटराइज करा रहे हैं तो। तो आज हम उसी के बारे में करेंगे। जैसे कि आपने अगर कोई फाइल दे दिया हुआ है तो एक एग्रीमेंट बनता है जो आपको थर्ड पार्टी है जो लोन आपको प्रोवाइड करा रहा है, वो एक आपको लोन का फॉर्मेट बना के देगा। मैं दिखा दे रहा हूँ, ऐसा आएगा आपको लोन एग्रीमेंट का, आपको देख सकते हैं आप, ऐसा आपको लोन फॉर्मेट बना के देगा वो, और वो आपको ईवीएस पार्टी जो नोटराइज करता है ऑनलाइन उसके पास सेंड करेगा। फिर आपको वहाँ से एक मेल आएगा अपॉइंटमेंट का, आपको अपॉइंटमेंट का मेल आएगा, तो आपको ऐसा मेल मिलेगा जिसमें आपको लिखा रहेगा आपका डेट, ये रहा डेट आपका, योर अपॉइंटमेंट इज कंफर्म, आपको इसमें डेट लिखा रहेगा कि कितने बजे और कितने तारीख को नोटराइज आपका होगा वैसे से। तो इसमें कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं ऑनलाइन नोटराइज कैसे होता है, क्या करना होगा, फ्रेंड्स घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत सा सिंपल सा प्रोसेस है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 से 6 मिनट लगेंगे बस, और कुछ नहीं है आपको। सो अगर आपके पास ऐसा मेल यूएस से आ रहा है तो आपको डेट और टाइम इसमें मिल जाएगा कि इतने डेट और टाइम में आपको नोटराइज करना है। उसके बाद जब आपका ये टाइम आएगा तो ये यूएसए का टाइम है, ठीक है, तो आपका ये यूएसए का टाइम है तो आपका यहाँ इंडिया में हो जाएगा करीबन 10:30 बजे, 10:30 बजे का टाइम हो जाएगा रात को। तो आप वहाँ से आप अपने टाइम पे आप अपना मेल खोल के बैठ सकते हैं। फिर जब आपका टाइम आ जाएगा नोटराइज का, यानी कि 12:20 से 12:15 में या 10 में आपके पास एक मेल आएगा ऐसा, जिसमें आपको ये लिंक दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे लिंक पे क्लिक करोगे आप नोटराइज की वेबसाइट पे चले जाओगे और वहाँ से आपका कैमरा और माइक्रोफोन स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ से आप उनसे वीडियो कॉलिंग में बातें कर सकते हो। वीडियो कॉलिंग में आपसे बातें होगा, उनका जो नोटराइज हैं जो नोटराइज करते हैं आपसे आपका पासपोर्ट दिखाने को बोलेंगे, उसके बाद आपका नाम पूछेंगे, जो आपका लोन अमाउंट होगा वो बताएंगे कितने का लोन है और आप नोटराइज कराना चाहते हैं। चलिए मैं बताता हूँ कि अगर नोटराइज कराते हैं तो आपको कैसे वहाँ से फॉर्म मिलेगा। तो आप यहाँ से जाइएगा और यहाँ से आप लॉगिन कर लीजिएगा, जो नोटराइज है ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके यहाँ से क्रिएट अकाउंट आप अपना कर सकते हो।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने से पहले यानी कि नोटराइज करने से पहले आपको ये अकाउंट बनाना पड़ेगा, आपका ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करके आपको बनाना होगा। उसके बाद आप इसमें लॉगिंग होंगे। ध्यान से देखिए फ्रेंड, आपको यहीं लॉगिंग से आपको नोटराइज में डायरेक्ट जो नोटराइज होगा आपका वो आपको इसी अकाउंट में आएगा। चलिए फ्रेंड, मेरे पास अकाउंट है, मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। सो फ्रेंड, हम लोग ऑनलाइन नोटराइज की वेबसाइट पे चले गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये रहा हम लोगों का नोटराइज का वेबसाइट। यहाँ से नोटराइज जो किए रहेंगे आपको पीडीएफ यहाँ से आ जाएगा, जो नोटराइज करेंगे आप यहाँ से या यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या हिस्ट्री देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड दिखाता हूँ, ऑनलाइन अगर नोटराइज होता है तो आपको कैसे दिखेगा। तो आपका ऑनलाइन आ जाएगा तो आपको डिजिटल सिग्नेचर होगा आपका वहाँ से स्टाम्प पे, ऐसे ही सेम टू सेम आपको खुलेगा, यहाँ पे पेपर आपको दिखाएगा और आप वहाँ से नोटराइज कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको नोटराइज का डेट दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है, नोटराइज का आईडी दिखा रहा है, ये मेरा सिग्नेचर है, ये देखिए मेरा लोन का, और ये रहा मेरा सिग्नेचर। ये आपको डिजिटल सिग्नेचर होता है, जब नोटराइज हो जाएगा तब आपको ऐसा एक पेज मिलेगा और ये रहा आपका स्टाम्प जो आपका नोटराइज होगा फाइनल, वो आपका ये स्टाम्प रहेगा नोटराइज का, देख सकते हैं आप। मेरा नोटराइज हुआ था 11/22/2019 तारीख को, इसे आपको मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, और अब हमको बताते हैं कि आपको अब करना क्या होगा। तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अपना नोटराइज, और जिस पार्टी से आप लोन के लिए अप्लाई किए थे आप वहाँ से उसको मेल से फॉरवर्ड कर सकते हो। यहाँ से फ्रेंड्स, यहाँ पे आ गया आपको डाउनलोड करने के लिए। और फ्रेंड्स, जब आपका नोटराइज हो रहा होगा तो लास्ट में आपसे पेमेंट के लिए बोलेगा। अगर नोटराइज करते हैं तो आपको ऑनलाइन पेमेंट जमा करना पड़ता है जो नोटराइज कंपनी है। सो आप जब पेमेंट कर दोगे तो आपको एक ऐसा रिसिप्ट मिलेगा पैड का, जो आप नोटराइज किए रहेंगे। देखिए मैंने 79 रुपीज़ का मैंने नोटराइज किया होता, करीबन 6,000 रुपये का मेरा नोटरी करने के लिए पैसे लगे थे। तो जब आपका टोटल प्रोसेस पूरा हो जाएगा तब आपको फाइनली को पेमेंट करना होगा। पेमेंट करते ही आपका एग्रीमेंट हो जाएगा ऑनलाइन नोटराइज। और इसमें फ्रेंड्स घबराने की कोई बात नहीं है, जो यूएसए पार्टी आपको वीडियो कॉल में लेता है वो ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं करता, आपको 2-3 क्वेश्चन करेगा, आप इजीली उसको हैंडल कर सकते हो। बस आप अपना लाइट और वॉइस के थोड़ा सा मैचिंग करिएगा, थोड़ा लाइट रखिएगा ताकि कैमरे से आपका पासवर्ड सही से उसको दिख सके। और फ्रेंड्स, जब आपको मेल आएगा पहले तो आपको वहाँ से बताएगा कि आप अपना जो जिस सिस्टम से आप उनसे बात करेंगे उनको आप चेक करें कि आपका सिस्टम सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। तो आपको इसी मैसेज में आपको यहाँ से टेस्टिंग का आ जाएगा, यहाँ से आप अपना टेस्ट कर सकते हो, चेक कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, ये आपको फर्स्ट में आएगा, उसके बाद ये मैसेज आपको सेकंड में आएगा, यहाँ पे कंफर्म आपको रहेगा, और ये आएगा, ये मैसेज आएगा आपको थर्ड में।